दोस्तों, हथेली के शुक्र पर्वत पर कुछ ऐसे चिन्ह जो कि भाग्यशाली हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे चिन्ह जो अशुभ भी हो सकते हैं। तो शुक्र पर्वत पर पाए जाने वाले अनेक प्रकार के चिन्ह, उन चिन्हों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से वो संपत्तिदायक या दुखदायक हो सकते हैं। आइए जानते हैं शुक्र पर्वत पर अनेक प्रकार के चिन्हों का निशान। तो दोस्तों, बात करते हैं शुक्र पर्वत पर सबसे पहले चिन्ह की, उसका नाम है क्रॉस। शुक्र पर्वत पर यदि क्रॉस दिखाई देता है दोस्तों, तो ऐसे जातक और जातिकाओं के लिए ये बहुत बड़ा संकेत है। और ये संकेत है कि जिनके क्रॉस शुक्र पर्वत पर होता है, वो लोग प्रेम में धोखा बहुत ज़्यादा पाते हैं और प्रेम के कारण दुखी भी बहुत होते हैं। अपने साथी, सगे संबंधी, पति या पत्नी के प्रति या आपस में काफ़ी दुख और मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार ऐसे व्यक्ति होते हैं। यौन संबंध में ऐसे व्यक्तियों की बहुत तीव्रता होती है, कामुक रूप के होते हैं, बहुत विलासक होते हैं, विलास करने वाले, भोग विलास को देखने वाले होते हैं। और अशुभता की निशानी माना जाता है शुक्र पर्वत पर क्रॉस को। इसीलिए जिनके क्रॉस शुक्र पर्वत पर है, ये अशुभ प्रभाव देता है, जीवन में काफ़ी इस तरह के संघर्ष बहुत ज़्यादा देता है, बहुत टिपिकल लाइफ को बना देता है। व्यापार के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में काफ़ी सारी असफलताएँ प्राप्त हो सकती हैं, कठिनाइयां जीवन में बहुत ज्यादा लेके आता है यदि क्रॉस शुक्र पर्वत पर हो। मित्रों, दिल का निशान यदि शुक्र पर्वत पर है, तो ये वैवाहिक जीवन में ऐसे व्यक्तियों की बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा कर देता है जिन स्त्री या पुरुषों के शुक्र पर्वत पर तिल हो। अनेक प्रकार के जीवन में बहुत सारे विवाद, कठिनाइयां, परेशानी, कलह कलेश को पैदा करने वाला होता है। आर्थिक रूप में ऐसे व्यक्ति तरक्की जरूर करते हैं, पैसा, धन संपदा के रूप में बहुत अच्छी तरक्की करते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन और अपने सुख, शारीरिक को सुख कम ऐसे व्यक्तियों के होता है। इसीलिए शुक्र जो है, शुक्र पर्वत पर तिल होना थोड़ा शुभ और अशुभ दोनों ही माना जाता है। दोस्तों, शुक्र पर्वत पर मछली का निशान, फिश का साइन यदि जिन स्त्री या पुरुषों के हो, वो बेहद शुभ माना जाता है ऐसे व्यक्तियों के लिए। ऐसे व्यक्ति बहुत आकर्षक होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, शरीर से, बुद्धि से, दिमाग से, और रोमांटिक टाइप के होते हैं। ऐसे व्यक्ति कलात्मक रूप से और रचनात्मक रूप से बहुत ही अग्रसर और सशक्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति कलाकार भी हो सकते हैं और व्यापार में बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले होते हैं। इनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा लग्जरी होती है और आरामदायक होती है, अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत ही धनवान ऐसे व्यक्ति होते हैं और ऊर्जावान होते हैं, इनके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और दूसरों के लिए और अपने लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मित्रों, यदि शुक्र पर्वत पर जिन स्त्री पुरुषों के यदि चौकोर निशान हो, जिसे हम वर्ग कहते हैं, ऐसा चौकोर निशान यदि शुक्र पर्वत पर हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत तरह तरह की संपत्ति वाले होते हैं, बहुत धनवान माने जाते हैं और लंबी आयु, दीर्घ आयु जीवन जीने वाले होते हैं। इनके अंदर काफ़ी जुनून होता है हर एक कार्य को लेकर के, और इसीलिए ये अग्रसर रहते हैं और सफल होते जाते हैं जुनून के कारण। इसीलिए ये निशान, वर्गाकार निशान शुक्र पर्वत पर होना, मतलब कि हर एक प्रकार से, हर एक कष्ट से रक्षा पान करने वाला ये चिन्ह होता है। और ऐसे व्यक्ति चारों तरफ से फायदा और एक अच्छा जीवन जीने की कला रखते हैं। दोस्तों, शुक्र पर्वत पर यदि त्रिकोण का निशान यदि हो, यानी कि ट्रायंगल, तो ऐसे स्त्री पुरुष जो हैं जिनके हथेली पर ट्रायंगल है, वो अपने जीवन में बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कभी कमी, धन पैसा संपदा, दौलत शौहरत की कभी कमी नहीं होती, बहुत ही सौभाग्यवान और भाग्यशाली माने जाते हैं। कला क्षेत्र में आप इनको आगे देख सकते हैं बढ़ते हुए, और बहुत ही नामी और फेमस ऐसे व्यक्ति होते हैं। दोस्तों, यदि शुक्र पर्वत पर यदि त्रिशूल का निशान हो, तो ये व्यक्ति को बहुत बेहद भाग्यशाली बना देता है। जिनके शुक्र पर्वत पर त्रिशूल का निशान हो, वो बहुत ही सच्चे व्यक्ति माने जाते हैं, अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं, बुद्धिमता से बहुत सुंदर, शारीरिक रूप से बहुत सुंदर होते हैं, अति धनवान होते हैं और ज्ञानी, ज्ञानवान,
हर कष्ट से अपने आप को बचा लेने वाले तीक्ष्ण बुद्धि के मालिक होते हैं। शंकर भक्त भगवान के शंकर के बहुत प्रिय भक्त होते हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। हर एक चीज की तह तक जाना इन्हें पसंद होता है। तीक्ष्ण बुद्धि के मालिक और राजसिक क्षेत्र में पॉलिटिक्स में इन चीज़ों में इनका बहुत अच्छा रुझान होता है और काफ़ी ऊँचाइयों को छूने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। भगवत कृपा और प्रेम इनके अंदर जीवन में बहुत ज्यादा देखा जाता है। मित्रों, स्वास्तिक का निशान यदि शुक्र पर्वत पर जिन स्त्री पुरुषों के हो तो उनके लिए यह स्वास्तिक बहुत ही ऐश्वर्यशाली भाग्यशाली और भौतिक सुखों को देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति भौतिक सुखों को भोगते हैं और उत्तम सुख सुविधा के साथ में अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं। बहुत बुद्धिमान और ज्ञानवान होते हैं। हर प्रकार का ज्ञान हर क्षेत्र में इन्हें नॉलेज होता है। यशस्वी होते हैं, लंबी आयु जीने वाले होते हैं, सुखी जीवन अपना यापन करते हैं और उनके जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है। मित्रों, यदि शुक्र पर्वत पर स्टार का निशान तारे का चिन्ह यदि हो तो ऐसे व्यक्तियों को स्टार तारा तारा बना देता है, स्टार बना देता है। बेहद ऊंचे कलाकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, स्त्री हो अथवा पुरुष, इनके लिए ये स्टार का चिन्ह शुक्र पर्वत पर प्रेम में जबरदस्त सफलता और एक अच्छा प्रेमी प्रेम प्यार करने वाला साथी इन्हें मिलता है। निराशा इनके जीवन में बिल्कुल नहीं होती किसी से। इनका मुख प्रसन्न और जीवन बहुत सुखी और सुखद और प्रसन्नकारक होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा हासिल करते हैं, प्रतिष्ठावान होते हैं, बहुत नामी और विख्यात व्यक्ति माने जाते हैं। दोस्तों, शुक्र पर्वत पर बहुत कम मात्रा में व्यक्तियों के चक्र का निशान होता है और जिनके चक्र का निशान यदि शुक्र पर्वत पर हो तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन बहुत आनंद से कटता है। ऐसे व्यक्ति एक राजयोग के माध्यम से जीते हैं। इन्हें खासा मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए। बना बनाया इन्हें सब कुछ मानो राजपाट के थ्रू या जैकपॉट के थ्रू या भगवत कृपा से मिल जाता है और एक अच्छा साम्राज्य अपना खड़ा कर पाते हैं। धन के मामले में बहुत धनी होते हैं। हर प्रकार का धन सुख सुविधा इनके जीवन में होती है। ऐसे व्यक्ति मौज मस्ती के साथ में जीवन जीते हैं। दाम्पत्य सुख में थोड़ी कमी होती है, बहुत सारे उलझने जीवन में होती है, तो पहले नहीं बल्कि दूसरे या तीसरे विवाह से इन्हें काफ़ी अच्छा साथ और प्रेम प्राप्त होता है। सुंदर व्यक्ति माने जाते हैं, मन वाणी से सुंदर और बहुत अच्छा प्रभाव जीवन में और समाज में देश दुनिया में ये छोड़ते हैं। मित्रों, यदि शुक्र पर्वत पर लंबी खड़ी लाइन यदि हो तो ऐसे स्त्री पुरुष जिनके हाथ पर ये लाइन्स हों, 1, 2, 3 या 4 लाइन्स हों, तो ऐसे व्यक्ति तीव्र कामुक होते हैं, वासना में लीन रहने वाले होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति होते हैं। अपने जीवन में उच्च पदों पर होते हैं और इनके सगे संबंधी रिश्तेदार, इनके दोस्त मित्र जो भी इनके आसपास रहते हैं या इनसे संबंध रखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऊंचे पदों पर और अच्छे ज्ञानवान और नामी व्यक्ति होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। बड़े बड़े ऐसे व्यक्तियों के लिंक होते हैं, ऊंचाइयों पर बैठे लोगों से बहुत अच्छा इनका संबंध होता है। तो ऐसे व्यक्ति धन के मामले में, पद के मामले में, सम्मान के मामले में काफ़ी ऊंचाइयों को छूने वाले होते हैं। यदि शुक्र पर्वत पर यदि मंदिर का स्नान किसी स्त्री पुरुष के यदि हो, मंदिर का निशान, तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को ये मंदिर धनदायक माना जाता है और सौभाग्य को देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति हर प्रकार से अपने घर और बाहर बहुत अच्छा सम्मान पाते हैं, मानो इनके ऊपर किसी देव कृपा इनके ऊपर बनी रहती है, किसी देवी या देवता का पूरा सहयोग या जीवन में या शरीर में प्रभाव होता है और बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति अपने जीवन में बनते हैं। भक्ति में काफ़ी अच्छा ऊंचा स्थान इनको मिलता है और भक्ति में खोए हुए ऐसे व्यक्ति होते हैं। साधारण जीवन इनका होता है, बहुत पूजनीय और किसी प्रकार का भी अभाव अपने जीवन में नहीं होता है। दोस्तों, यदि शुक्र पर्वत पर जाल का निशान हो तो ये जाल का निशान एक प्रकार के जीवन में सभी प्रकार का अभाव को दर्शाता है। जिनके जाल शुक्र पर्वत पर होगा, सबसे पहले तो उनका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन बहुत कम मात्रा में सुखी होता है।
ऐसे व्यक्तियों के जीवन में क्लेश बहुत ज़्यादा होता है, कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, स्ट्रगल बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति बिना स्ट्रगल किए अपने जीवन में कुछ नहीं पा सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे व्यक्ति धन का अभाव होता है या दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता, लेकिन कहने का मतलब यह है कि इनके जीवन में कुछ भी चीज़ आसानी से नहीं हो पाती। यदि है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत के बाद ही इन्हें कुछ या आधा प्राप्त होता है। तो यदि ऐसे व्यक्ति स्ट्रगल करते हैं तो अपने जीवन में बहुत कुछ कामयाबी पा लेते हैं। धन की कमी नहीं होती है, लेकिन बार बार धन के मामले में, बिजनेस के मामले में उतार चढ़ाव इन्हें बहुत ज़्यादा देखने पड़ते हैं। जाल का निशान इनके जीवन को कठिन बना देता है, ना कि साधारण और सामान्य बनाता है। वैवाहिक जीवन में भी अस्त व्यस्तता काफ़ी रूप में देखी जाती है और ऐसे व्यक्तियों को देव सहायता, यदि ऐसे व्यक्ति देव कृपा के माध्यम से जीते हैं या किसी के अंडर काम करें, स्वयं का बिजनेस ना बनाएं, तो ऐसे व्यक्ति सफल हो जाते हैं। लेकिन आगे लीड रोल करने पर इन्हें नुकसान होता है और यदि देवालय में यदि प्रतिदिन ये भगवान का आशीर्वाद लेकर के और अपने अंदर जो है सहायता परमात्मा की मांग करके और साथ में भक्त बनकर के दीजिए, तो इनका जीवन कठिनाइयां जो हैं वो दूर चली जाती है। तो दोस्तों, ये थे शुक्र पर्वत कुछ भाग्यशाली निशान जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे अधिक जानकारी के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। राधे राधे।